बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद शाहनवाज जफर, लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लाहौर, जहराबाद कैंपस। टुडे लेक्चर 20 ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अबाउट द टॉपिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन? A decision can be defined as a course of action purposely chosen from a set of alternatives to achieve organizational or managerial objectives or goal. Decisions are made at every level of management to ensure organizational or business goals are achieved. Different type of organizational level decisions include strategic decision making, managerial decision making and operational decision making. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज सैकड़ों तरह के decisions लिए जा रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ लेवल्स पे हो सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रही होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजेरियल डिसीजन ले रही होती है, एंड लो लेवल मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल डिसीजन ले रही होती है। डिसीजन वो एक्शंस होते हैं जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव से एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। वो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तहत डिसाइड करना चाहिए। आप इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं या ग्रुप डिसीजंस ले रहे हैं, दोनों में आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मद्देनजर रखना चाहिए। बिकॉज इफ वी टेक अ डिसीजन और एन इंट्यूशन और एक्सपीरियंस or expertise, it may lead to a false decision. But if we follow these 8 steps in decision making process, we must and we will surely end up having a good decision. The 8 steps involved in decision making process are as follows. Identify the problem. This is the first step of decision making process. By identification of the problem, we say how should we define the problem? What is the problem? How should it be solved? Is the problem time sensitive? If we are able to identify the problem properly and effectively, then all other steps would be worthwhile. अगर हम identification of problem में थोड़ी कोताही कर जाते हैं, अगर हम symptoms of problem को problem define कर देते हैं, तो हमारे जो बाकी के steps होंगे वो इतने worthwhile नहीं रहेंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ज़ाया जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर हमारी सेल्स डाउन हो रही हैं किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेल्स डाउन हो रही हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है असल में ये सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम हो। असल प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्शन में हो, या प्रोडक्ट में हो, या प्रोडक्ट डिज़ाइन में हो, या आपकी सेल्स के जो तरीकाकार है उसमें प्रॉब्लम हो। तो identification of problem is the utmost important factor in decision making process. Then we move on to the second step, that is establish decision criteria. In this step we think about different variables or different factors that will influence our decisions. हम डिसीजन क्राइटेरिया में मुख्तलिफ जो फैक्टर्स होते हैं,
जो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स और कौन से फैक्टर्स हमें आगे ले के चलने हैं, जिनका हम वेट करेंगे, जिनसे हम अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, जिनसे हम अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करेंगे। तो ये स्टेप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। द थर्ड स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एलोकेटिंग वेट टू द डिसीजन क्राइटेरिया। टू असाइन वेट टू ईच क्राइटेरिया डिफाइंड इन द स्टेप टू, वी सिंपली रैंक द आइटम ऑन द लिस्ट फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द लीस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब हम अपने डिसीजन क्राइटेरिया के जो फैक्टर्स होते हैं उनको वेट या नंबर एलोकेट करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से, कि ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर इसको 10 नंबर दे दीजिए, ये फैक्टर्स उससे कम इम्पोर्टेंट है तो इसको 5 नंबर दे दिए जाए, ये फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है इसको स्किप कर दिया जाए। अगर हम फैक्टर्स जो हमने डिसीजन क्राइटेरिया में इस्टेब्लिश किए थे उनको सही मार्क्स सही वेट एलोकेट कर लेते हैं, तो हमारा अल्टरनेटिव्स को डेवलप करने का जो स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, वो निस्बतन आसान हो जाता है। द फोर्थ स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स और डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली द पॉसिबल आउटकम्स इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम, के उस प्रॉब्लम के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं और उसको कैसे आप हल कर सकते हैं। बेसिकली अल्टरनेटिव वो सॉल्यूशंस होते हैं जो आप किसी भी प्रॉब्लम के हल के लिए ले रहे होते हैं। आप जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस, जितने पॉसिबल आउटकम्स डेवलप कर सकें, आप फोर्थ स्टेप में डेवलप करते हैं। और फिर फिफ्थ स्टेप एनालाइजिंग या एवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव में उनको एवेलुएट या एनालाइज करते हैं, वो हम इस तरह से कहते हैं। जिस तरह थर्ड स्टेप में हमने वेट दिया अपने डिसीजन क्राइटेरिया को, मुख्तलिफ फैक्टर्स को वेट दिया, अब इस स्टेप में हम अपने अल्टरनेटिव्स को स्कोर करते हैं, अल्टरनेटिव्स को वेट देते हैं या स्कोर करते हैं। तो ये अल्टरनेटिव्स का स्कोर और उन फैक्टर्स का स्कोर जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन या एक इम्पॉर्टेंट फिगर निकल आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सेल्स को 5 नंबर दिए थे, सेल्स के फैक्टर को 5 नंबर दिए थे और अल्टरनेटिव हमने डेवलप किया, वी मस्ट इंक्लूड मोर सेल्समैन इन आर सेल्स टीम, और इसको हमने 7 नंबर दिए थे, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो हमारे पास एक अल्टरनेटिव की एवेल्युएशन आ जाएगी। तो जितने अल्टरनेटिव डेवलप किए थे उससे रिलेटेड जितने डिसीजन क्राइटेरिया में हमने वेट एलोकेट किए थे अल्टरनेटिव्स को या फैक्टर्स को या वेरिएबल्स को, उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और एक फिगर निकल आती है। तो जब हम अपना छठा स्टेप, सिक्स्थ स्टेप लेते हैं, उसमें हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव कौन होगा? जो हमारे पिछले थर्ड स्टेप और फिफ्थ स्टेप की मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा। फॉर एग्जांपल, सेल्स और सेल्स टीम की जो मल्टीप्लिकेशन है फैक्टर और अल्टरनेटिव का, जो डिसीजन आपने लिया था उसका फिगर आता है 160, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल आया है इस प्रोसीजर के तहत, तो आप उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हैं या उस चॉइस को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन वी मूव ऑन टू अवर सेवंथ स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। जो अल्टरनेटिव हमने सिक्स
स्टेप में चूज किया है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया है। उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि उससे क्या रिजल्ट निकलता है जो हम आठवें स्टेप में एवेल्युएशन ऑफ डिसीजन में एवेल्युएट करते हैं। आप जो अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं या चूज करते हैं उसकी को पॉसिबल आउटकम भी आपने सोची होती है कि आप ये डिसीजन लेंगे तो उसका ये इफेक्ट आना चाहिए। हम अपने आठवें स्टेप में एवेल्युएशन ऑफ डिसीजन में उस स्टेप को उस अल्टरनेटिव को एवेल्युएट करते हैं कि आपने जैसा रिजल्ट चाहा था वैसा आया है या नहीं आया। अगर आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप दोबारा से डिसीजन प्रोसेस को चलाएं। हो सकता है आपने कहीं पे कोई गलती कर दी हो, कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई चीज़ ओमिट हो गई हो या स्किप हो गई हो, कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर आप स्किप कर गए हो। बेसिकली हमें ये डिसीजन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करते हुए और अल्टरनेटिव्स को जनरेट करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए और मैक्सिमम तवज्जो देनी चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन दो स्टेप्स पे, ताकि बेहतर अल्टरनेटिव्स डेवलप हों, बेहतर चॉइसेस आपके पास आएं और बेहतर फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर चुके हों। अगर आप ऐसे कर चुके होंगे तो आपका एवेल्युएशन का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर इसमें से किसी जगह पे कोई कोताही हो गई है तो हो सकता है आपका एवेल्युएशन का रिजल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक ना आए। This decision process is important when you are taking rational decision, when everything is clear, when your alternatives are clear, when your minimum criteria is clear, when your goals are clear or solutions are clear. This is only implemented when you are taking rational decision making. Or you can say when you want to maximize your output. There are some other decision making models which are used when the solution is not clear, when the alternatives are not clear, when your goals is not clear. The four different models in decision making are rational decision making model, bounded rationality decision making model, intuitive decision making model and creative decision making model. Rational decision making model, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम maximize करना चाहते हैं अपनी output को और decision हमारे लिए बहुत important होता है तो हम rational decision making model इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ढेर सारी information होती है, हमने उसको quantify कर सकते हैं, हमने उसको quantify कर लिया होता है या quantify कर सकते हैं तो तब हम rational decision making model use करते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता, हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहते अपने डिसीजन मेकिंग में, हमें चाहिए कि थोड़ा जल्दी हम डिसीजन मेक कर लें या डिसीजन ले लें। हम अपने आउटकम को भी मैक्सिमाइज नहीं करना चाह रहे होते तब हम बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल यूज़ कर लेते हैं। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते, हमारे पास टाइम का प्रेशर होता है और हम एक्सपीरियंस के तहत अपनी इंट्यूशन के तहत अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं। और फोर्थ मॉडल क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, ये हम तब यूज़ करते हैं कि जब सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्लियर नहीं होते और नए सॉल्यूशंस जनरेट करने की ज़रूरत होती है तब हम क्रिएटिव डिसीजन मॉडल यूज़ करते हैं। इस टाइम पे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, हम अपने आप को बहुत टाइम देते हैं ताकि हम एक नया आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव डिसीजन ले सकें। तो हम इंडिविजुअल डिसीजन कर रहे हों या ग्रुप डिसीजन कर रहे हों, हम ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज करके इनमें से अगर ये डिसीजन मेकिंग मॉडल यूज़ नहीं कर सकते तो हम कोई और डिसीजन मॉडल उठा के क्रिएटिव, इंट्यूटिव या बाउंडेड रैशनैलिटी डिसीजन मेकिंग मॉडल हम उस तरह से
फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला हो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें अपने डिसीजन मेकिंग में, तब जाके आप बेहतर फैसला ले सकते हैं और उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तमाम अफराद जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको फ़ायदा होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।